कर रही है भैया। भाई हम लोग कुछ कुछ योगी से खुश नहीं है, नहीं खुश नहीं है, खुश नहीं है भाई। हम योगी सरकार चाहते हैं क्योंकि 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए हैं, कहीं लूट और छिनैती हमारी नहीं कर पाता था। छिनैती यही तो हो जाती थी थाने के बगल से, और आदमी पैदल उतर के जाता था, परिवार लेके जाता था, उसके साथ छेड़खानी हो जाती थी, गहने उतार लिए जाते थे। पूछ लीजिए एक भी छिनैती यहाँ हुई हो तो बताएं। एक हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना है, आठ घंटे में जो आदमी लखनऊ से जाता था, 8 घंटे में जो व्यक्ति लखनऊ जाता था, आज हम लोग 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं लखनऊ के लिए। इस बार अगर ओम प्रकाश जी यहाँ आते हैं तो यहाँ की जनता उनको लठ से मार के भगाएगी। आप ये भैया सपा के हैं, बताइए। नहीं हम भैया, आम जनता है, सपा के नहीं है भैया। किसी भी सपा के नहीं है। 2014 में आप लोगों ने सपा सरकार बनाई, क्या पाया उन्होंने? हम कुछ नहीं पाया। जय श्री राम। जोराबाद 370 विधानसभा में खड़े हैं, हमारे साथ 377 विधानसभा के जोराबाद में खड़े हैं, हमारे साथ कुछ जनता है। आइए जानते हैं क्या रुख है 2022 के चुनाव का। सर अपना नाम बताएं। विजय जायसवाल जी। विजय जायसवाल जी, 2022 का चुनाव आने वाला है, क्या क्या किस किस क्या क्या विकास के कार्यक्रम रहेंगे और किसको किसको आप चुनेंगे? और विकास तो सबसे पहले रोजगार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या रह गई है। विकास तो धीरे धीरे सभी सरकारों ने किया ही और करते रहेंगे। हमारी अगर पर्सनल राय जानेंगे तो भाई हम तो कालीचरण राजभर के सेवक हैं, कालीचरण राजभर को वोट देंगे। आपका कहना है कि भाई विकास के कार्य मुद्दा बहुत जरूरी है, बेरोजगारी हम सीमा पे है, हमारा लक्ष्य है कालीचरण राजभर जी को वोट देना। यानी इनका सीधा सीधा कहना है कि हम BSP की ओर हमारा संकेत है, हम BSP को वोट देंगे, ऐसा इनका संकेत जाहिर हो रहा है। हमने तैयारी करते हैं, हमने छात्र हैं, जॉब नहीं लगे थे, दुकान खोल करना। तो आपको भी जॉब नहीं मिला, इसे आपने दुकान खोल रखी है, तो अपना बिजनेस स्वयं करना क्या बुरी बात है? आपका कहना है कि बेरोजगारी दूर की जाए, बेरोजगार दूर होगा तो हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारा कारोबार रहेगा। ऐसे में आइए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, देखते हैं लोग। तो 2022 के चुनाव में संकेत कहाँ आपका जा रहा है? मगर आपको ये कहना है कि एक बार योगी सरकार को मौका दिया जाए। एक बार और मौका दिया। लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, क्या कहेंगे आप? सर अगर योगी जी ने 5 साल में कुछ नहीं किया तो अपनी सरकार जो थी वो 70 साल में क्या की है? उसकी भी तो लोग बताएं कि योगी जी ने अगर 5 साल में नहीं किया तो जो अगली सरकार 70 साल तक थी केवल समाजवाद और ये BSP चलता था, परिवारवाद चलता था। परिवारवाद BJP में नहीं है क्या? नहीं, क्या BJP में? क्या BJP में है बताइए सर, परिवारवाद क्या है? बजट और यहाँ पे हम लोग गठबंधन की सरकार चाहते हैं। हाँ, हम बता रहे हैं 2019 से हम लोग ने DLF BTC किया हुआ है और 2022 बोलिए। हमारा नाम सहनशाह है। कैसा चाहते हैं? हम अगले सरकार चाहते हैं। बस अगले सरकार क्यों? क्यों बस बस वही बदलाव हम लोग चाहिए। कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है भैया। भाई हम लोग कुछ कुछ योगी से खुश नहीं है। नहीं खुश नहीं है, खुश नहीं है भैया, हम लोग खुश नहीं है। 35 दिन तक लखनऊ मिल्को गार्डन में हम लोग PT सीट पर शिशु धरना दिए थे भर्ती के लिए, समझ रहे सर? नहीं कोरोना चल रहा है ना, हम लोग लाठी डंडे से मार के पुलिस वाले भगा दिए गए और 70,000 का झुंझुना दे रहे हैं। आज योगी सरकार में 70,000 का मुद्दा है, इसको आप लोग उठाइए और सर नेताजी लोगों तक पहुँचाइए। हम लोग योगी सर, आप ये बताइए क्या नाम आपका? योगी नाम बता। हमारा नाम आलोक पांडे। हाँ जी आलोक पांडे जी, क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं? हम योगी सरकार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए हैं, कहीं लूट और छिनैती हमारे नहीं कर पाता था। छिनैती यही तो हो जाती थी थाने के बगल से, और आदमी पैदल उतर के जाता था, परिवार लेके जाता था, उसके साथ छेड़खानी हो जाती थी, गहने उतार लिए जाते थे। पूछ लीजिए एक भी छिनैती यहाँ हुई हो तो बताएं, एक भी लूट हुई हो तो बताएं, एक भी दंगा हुआ हो तो बताएं।
अखिलेश सरकार में खाने के लिए लोग परेशान रहते थे, सरकार दो 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 बार महीने में फ्री का राशन दे रही है। क्या फ्री का 5 किलो राशन में क्या होगा? 5 हजार भैया नहीं, मैं गरीब आदमी इस महामारी के दौर में, इस महामारी के दौर में और सुनिए, अखिलेश सरकार 2012 से रही है। एक मिनट सुनो यार, 2000 इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना जो आती है, योगी जी की ऐसी व्यवस्था है कि कोई बंदरबांट नहीं हो रहा है पैसे का। हर आप गांव में चल के सर्वेक्षण कर लीजिए, प्रत्येक आवास जितना भी पैसा आया है वह धरातल पे मकान दिख रही है। उस 5 सालों में एक भी मकान नहीं दिखती थी, वो लोहिया आवास देते थे, पैसा लोग खा जाते थे 2.5 लाख रुपए का। आज 1,20,000 का भी आवास आ रहा है, फिर भी एक कमरे की मकान अगर बनी है प्रधानमंत्री आवास तो वह धरातल पे दिख रहा है। मनरेगा मजदूर के खाते में सीधे पैसा जा रहा है, कोई बंदरबांट नहीं हो रहा है, उसकी जीविका चल रही है। जो योगी सरकार का ये बदलाव है, अमन है, चैन है, सुख है, शांति है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना है, 8 घंटे में जो आदमी लखनऊ से जाता था, 8 घंटे में जो व्यक्ति लखनऊ जाता था, आज हम लोग 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं लखनऊ के लिए। सही बात है, हमारे सामने अलोक पांडे ने बताया योगी सरकार बहुत अच्छी है, 5 साल में योगी सरकार ने विकास कार्य किए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग खड़े हैं, आइए से पता करते हैं क्या कहते हैं। मेरा नाम सुशांत सिंह है और मैं योगी जी की सरकार चाहता हूँ। यहाँ पे जो मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जिता के हम लोगों ने उनको भेजा, लूट खसोट किए और यहाँ की स्थिति इतनी बदहाल, कभी नहीं क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर का एक भी न काम दिखा, न बोर्ड दिखा। एक बोर्ड यही बगल में है, चलिए दिखाते हैं, आज तक उसमें सीमेंट का लेप ही नहीं लगा और बोर्ड लग गया है कि ये योजना पूरी हो गई, पैसा उतार लिया गया है। लूट ओम प्रकाश जी की व्यवस्था है, इस बार अगर ओम प्रकाश जी यहाँ आते हैं तो यहाँ की जनता उनको लठ से मार के भगाएगी। हाँ। राजभर जी कहते हैं कि पूरे महीने की हम लोग शराब जो है पूरे राजभर इसमें कहना यह है कि वो अपने समाज को मूर्ख बना करके स्वयं करोड़ों की जमीन रसना में ले लिए, 500 करोड़ का मालिक बन के आज बैठे हुए हैं, राजभरों को बेच दिए। और इन लोगों को अभी कुछ राजभर ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो यह कहते हैं कि मेरी बिरादरी शराब पी करके ही मुझे मानती है, और इसको इससे ज्यादा उनसे पूछा जाता है कि आप पिछड़े वर्ग का किस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े की उनका मुद्दा कौन सा है, वो आज तक के मुद्दे में नहीं बता पाए कि किस मुद्दे की लड़ाई हम राजभर की लड़ रहे हैं। आखिर राजभर का कौन सा मुद्दा आप लेकर लड़ रहे हैं, पूछा गया कि ये राजभर हमारा पीड़ित है, इसके किस मुद्दे की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, एक भी मुद्दा वो नहीं बताते, क्योंकि वह ऑफ कैमरा यह भी कहते सुने गए हैं कि मैं राजभरों का मुद्दा अगर हल कर दिया तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, ये उनकी व्यवस्था है। हम लोग चाहते हैं इस बार योगी सरकार बने, जहूराबाद में भाजपा से राम प्रताप सिंह को टिकट मिले और एक अच्छा विधायक यहाँ का हो, जो आज भी वो 10 सालों से राम प्रताप सिंह यहाँ हर गरीब की मदद निःशुल्क की होगी, 1 रुपया कोई व्यक्ति अगर घुस दिया हो तो बता दे। ताने की पर भी इस बार भी 2022 चुनाव योगी सरकार चाहते हैं, योगी सरकार चाहते हैं, लाल क्या कहना चाहते हैं, हम योगी सरकार चाहते हैं, अभी योगी सरकार चाहते हैं जी, विकास कार्य हुए हैं क्या, विकास कार्य हुआ भैया जी, हेलो हेलो, क्या विकास कार्य हुआ, बहुत चाहते वोटों से जिताना है तो राम प्रताप सिंह टिकट देना चाहिए भाजपा को, वो बहुत एकदम समर्पित है हम लोग हर वर्ग हर जाति के लिए। आप ये भैया सपा के हैं, बताइए नहीं हम भैया जनता है, सपा के नहीं है भैया, भैया किसी भी सपा के नहीं है, लेकिन राम प्रताप जगह 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 हम जानते हैं बाजपुर के वो है रहने वाले भैया, हम जानते हैं, ये बताइए भाजपा 2014 में आप लोगों ने सपा सरकार बनाया, क्या पाया, हम कुछ नहीं पाया, जय श्री राम हर हर